दशहरे के पावन पर्व को लेकर यमुनानगर में एक महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई। सनातन धर्मशाला में रघुनाथ, मेघनाथ व रावण के पुतलों के बनाने की तैयारी चल रही है। इस मौके पर कारीगरों का कहना है कि दशहरे के पर्व को लेकर यह तैयारी करीबन एक महीना पहले से शुरू हो जाती है, जिसे बनाने के लिए करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। तो सर, जैसे ये आप पुतले बनाते हैं तो इसमें कितना खर्च आ जाता है? इसमें खर्चा कम से कम भी 2-3 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। तो क्या जैसे आधुनिक समय में आप ये पुतले बनाते थे और आज का जो जैसे पुराने समय में आप बनाते थे और आज का जो आधुनिक समय है, तो क्या कुछ अंतर भी आया जैसे? हाँ, वो इसका ना हर साल बढ़ गई, मतलब कि मटेरियल बढ़ता है हर साल, सब साइज भी बढ़ता है हर साल, 4-5 फुट लंबा हो जाता है हर साल बढ़ाता हूँ। तो मटेरियल जो सा है ना, जितना भी मटेरियल है हर साल महंगाई इतनी है, तो बढ़ता ही रहता है। तो इन पुतलों की हाइट कितनी होती है? हाइट इसकी है जी, रावण की है 75 फुट की करें, तो मेघनाथ की 70, कुंभकर्ण की भी 70। तो क्या जैसे बराड़ा में सबसे दुनिया का सबसे ऊंचे पुतले बनाए जाते हैं? वो सर ऐसा है, वो एंगल का बनाते हैं, सारा लोहे का बनाते हैं। उन्होंने पिछले साल बनाया था, 2 आदमी मर गए, तो अब उन्होंने बंद कर दिया है। तो वो एंगल का बनाते हैं सारा, बांस का नहीं। यहाँ पे जितना भी माल लगता है ना, मटेरियल सब सच्चा लगता है, कोई भी जूठा नहीं लगता इसके अंदर, कोई धोती नहीं, पुराना कोई भी वस्त्र इसको नहीं लगेगा। कपड़ा भी अपना नया लगता है, और दर्जी इसको सिलाई करेगा जैसे इंसान की सिलाई करता है, दर्जी ही इसको पहनावा सिलाई करके पहनाएगा अच्छी तरह। ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। नमस्कार।